हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए दिसंबर मंथ की। कैंसर राशि की रीडिंग हम करेंगे। इसमें देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, और रोमांस एंजल से भी देखेंगे मैसेज, यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में चेक करेंगे, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। तो आप मेरे साथ बनी रहिए लास्ट तक, ठीक है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना कोई ना कोई मैसेज आपसे मिस हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं। कैंसर राशि दिसंबर मंथ क्या आ रहा है, कैंसर राशि दिसंबर मंथ क्या आ रहा है, कैंसर राशि दिसंबर मंथ क्या आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं। देखिए, मुझे यहां पर दिखाई दे रहे गाइस कि कैंसर राशि का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कार्ड, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। आपकी लाइफ में दुश्मनों की भरमार है, जैसे कोई ब्लेसिंग्स आती हो ना, कहते छप्पर फाड़ के आ रही हूँ, इसी तरह से आपकी लाइफ में दुश्मन आते हैं। ठीक है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप जो है अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। हो सकता है कि आपके पर्सन को भड़काते हों, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या फिर वो आपकी लाइफ में इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हों। ठीक है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट है, यानी कि फाइनेंशियली इश्यू आपकी लाइफ में है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और ऊपर से दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन है कि हद से ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में रोमांस तो आएगा, डोर टू रोमांस, यानी कि आपकी लाइफ में प्यार तो आएगा, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्यार तो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि डिटेल में रीडिंग। ठीक है, कैंसर राशि क्या आ रहा है, कैंसर राशि का दिसंबर मंथ में क्या आएगा, कैंसर राशि दिसंबर मंथ क्या आ रहा है, कैंसर राशि दिसंबर मंथ क्या आ रहा है, कैंसर राशि दिसंबर मंथ क्या आ रहा है। कार्ड हम उल्टे नहीं लेंगे, ठीक है, रिवर्स में जाते हैं वो कार्ड नहीं लेंगे, अपराइट लेंगे। अभी हम आपके पर्सन के कार्ड भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स पता है क्या बोलते हैं कि आप कार्ड पीछे से निकालते हैं, ठीक है, मतलब पहले निकाल के रख लेती हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये बताइए, आपको बेवकूफ बनाने से मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, आप मुझे पेमेंट तो दे नहीं रहे कि मैं आपको बेवकूफ बनाऊंगी तो मुझे बहुत डबल पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं यहाँ पर धरती पर, लोगों की कमी नहीं है, तो आपकी लाइफ में दुश्मनों की कमी कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं पहले आपके पर्सन के साइन बताना चाहूंगी। यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये उनके सन मून वीनस साइन भी हो सकते हैं। वैसे 12 राशियों के लिए है, जो भी आपके पर्सन की राशि हो देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम कैंसर आपके बारे में देखिए दिसंबर मंथ में कि आपके क्या चल रहा है लाइफ में। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल है, यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है, कैंसर राशि के पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर मुझे तो आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है,
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, यानी कि उनके फादर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनके फादर या बड़े भैया, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि आप मेरे रिवर्स, यानी कि आपके जेठ देवर कोई भी हो सकती हैं, कैसे भी लगा लीजिए, मतलब जेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही स्ट्रांग ईगोइस्टिक पर्सन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि आप होप के साथ दिसंबर मंथ में आगे बढ़ रहे हैं। कैंसर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होप रख रहे हैं कि कभी तो मेरी लाइफ बेटर होगी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पास्ट में आप लोगों की लाइफ में काफ़ी इशू रहे हैं और ये थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम रही है। फैमिली मेम्बर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, या किसी के लिए अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, आपका पर्सन जो है उसके साथ डील करता है, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ का स्मूथली नहीं चल रही है। आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप उनके साथ शुरुआत करें। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ में एक शुरुआत करें, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप जो है आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा, या आप जो है शाई नेचर के होंगे, या कैसे भी लगा लीजिए, आप एक्सप्रेस करते हुए हिचकते होंगे अपने प्यार को। लेकिन आप प्यार तो अपने पार्टनर से बहुत करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर फिर आगे चलते चलते, जैसे मिड दिसंबर में तो आप सोच रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं और कि यूनिवर्स आप ही जो है हमारे रिलेशनशिप को ठीक कर दीजिए। आप अपने पर्सन के लिए बहुत प्यार लिए बैठे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर आगे आगे जैसे दिसंबर का थर्ड वीक आएगा तो आप जो है उनके लिए एक्शन लेने की सोचेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेने की सोचेंगे, आपके माइंड में ये पर्सन आएगा कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ठीक नहीं हो रही है, अगर ये मेरी लाइफ से हट जाए तो मेरी लाइफ बेटर हो जाए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि आपका पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो आपकी जो है बात को सुनता ही ना हो। कुछ केसेस में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए, अलग अलग सिचुएशन मैंने बता दी है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर ईगो टकरा रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच में जो है लड़ाई झगड़ा होगा और आपके पर्सन को आप जो है नो कहेंगे, आपके पर्सन के मुंह पर दरवाजा बंद होगा। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे कि मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है, आप मेरी तरफ आ नहीं रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी, लेकिन ये पर्सन जो है ये बीच में टांग अड़ा रहा है। ठीक है, तो आप मौन कर जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो प्यार तो आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने जो कार्ड निकाले थे ओवरऑल एनर्जी में, तो यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि ये जो एक्शन ले रहे हैं और ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है कि आपके पर्सन को इसीलिए आपकी तरफ नहीं आने दिया जाता कि आपके पास फाइनेंशली जो है स्टेबिलिटी नहीं है, और इसी वजह से जो है आप बहुत टेंशन में भी हैं। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में रोमांस लाना, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारे इशू क्रिएट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत हर्ट होने वाले हैं दिसंबर मंथ में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है एक शुरुआत करना चाहते थे आपसे। ठीक है, एक नई रिलेशन की शुरुआत करना चाहते थे। यहाँ पर डेथ और रीबर्थ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की एंड हो रही है, जो पास्ट में जो सिचुएशन थी उसकी एंड हो रही है और एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। तो आप भी चाहते हैं, पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, आप भी उनसे पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनकी तरफ कोई प्यार का ऑफर भी आ रहा है और इसी वजह से आपने गॉड को सरेंडर कर दिया, क्योंकि आप ये सोच रहे कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ एंगेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ऐसा भी आपकी लाइफ में हो कि आपका पर्सन किसी और के साथ डील कर रहा है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जब एक्शन लेने की सोच रहे थे तो आपके साथ में वो रूड बिहेव करते हैं, आपको वो जो है ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फिर से आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और फिर आपने सोचा होगा कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पर्सन को हो सकता है ऐसी हैबिट हो गई हो बार बार रुकने की, बार बार मनाने की, तो हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हों कि ये बार बार आए गिड़गिड़ाएं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है अभी उनको लास्ट में कि मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है, मुझे फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट है, मुझे जो है बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास में जो है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ना हो। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है, या किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि आपकी तरफ उनका बच्चा जाए। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है मुझे,
हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप लोग मिलेंगे, बात करेंगे, और लेकिन फिर हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे थे वो चकनाचूर हो जाएगा, और फिर जो है आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए भी हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दो दो तीन तीन एक साथ ही आप कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि आपको क्या जो है डिसीजन लेना है। यहां पर कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, भाग्य आपका साथ देगा। आप फिर से ट्राई करिए और अपना रिलेशनशिप बेटर बनाइए, ठीक है। भागने से, किसी को भी छोड़ करके भागने से कोई रिलेशनशिप बेटर नहीं होता है, उसमें जो है किसी सॉल्यूशन तक पहुंचिए, ठीक है। आप दोनों ही पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, कंट्रोल इश्यू को लेट गो कर दीजिए, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने बताया था ना कोई कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल इश्यू को लेट गो कर दीजिए। यहां पर मुझे साफ जो है मैसेज मिला है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक दूसरे को माफ कर दीजिए तब आपकी लाइफ में ये रोमांस आएगा। एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़िए तब ये आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, ठीक है, आएगा जरूर। ये देखिए, ग्रीन तारा माँ क्या कहती हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं और कोर्स आर बीइंग कट। इन जिनके साथ में आपकी दुश्मनी चल रही है, यानी कि जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या कोई अदर पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं बने देता है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोर्स आर बीइंग कट, कोर्स कटिंग हो रही है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन ट्रस्ट, आप आगे बढ़िए, ट्रस्ट करके गॉड के ऊपर और आगे बढ़िए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। कार्ड गिर गया था। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, देखिए वेरी नाइस, आप अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए। ये अपने आप ही जो है निकल करके गिरा था, तो देखिए कितना अच्छा आया है। इसीलिए मैंने बताया था आपकी ओवरऑल एनर्जी में कि डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में प्यार जरूर आएगा गाइस, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।